more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. Well, yes, ये हो सकता है या नहीं, बल्कि जल्द ही होने वाला है। जी हाँ, अब पढ़ने वाली है एक बार फिर से डीमोनेटाइजेशन की बात। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि ये बात सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है, ना ही इस बात में किसी भी तरह का झूठ है। खबर दे रहे हैं आपको कि हाल फिलहाल में, जैसा कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, तो बाजार में 2000 रुपए के नोट को फ्लो बहुत ही कम हो चुका है। साथ साथ कई सारे ATM मशीन्स में चेंजेस लाने एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि RBI एक बार फिर से कुछ मॉनेटरी चेंजेस लाने की तैयारी में है और साथ ही छोटे नोटों की सप्लाई भी बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। खबर दे रहे हैं आपको कि मार्केट में 50, 100 और 500 के नोटों की सप्लाई बढ़ेगी और साथ ही कुछ सोर्सेज की माने तो अब 200 के नोट लाने की तैयारी भी होने जा रही है। आगे बताएं आपको तो बैंकिंग से जुड़े कुछ सूत्र कहते हैं कि छोटे छोटे नोटों का मार्केट में जगह देना यानी कि सीधे तौर पर 2000 के नोट को बाहर का रास्ता दिखाने जैसा है। आपको बता दें कि हाल ही में 2000 के नोट को छापने का प्रस्ताव नामंजूर किया गया था और बाकी के छोटे छोटे नोटों को छापने की मंजूरी दे दी गई है। यानी जाहिर तौर पर एक बार फिर से नकली नोटों की साजिश और कैश जमा करने वालों पर नकेल कसी जानी है। और दूसरी ओर इस तरह छोटे नोटों को मार्केट में जगह देने से सरकार की मंशा लोगों को कैश की जगह कार्ड से पेमेंट करने पर जोर देने पर होगी, क्योंकि कुछ बैंकर्स का कहना है कि ऐसे बड़े नोटों की कमी से बड़ी पेमेंट में दिक्कत आ सकती है, जिस वजह से लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। यानी सीधे तौर पर इसकी सीधी मंशा है कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना। तो देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से आस्था की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.